स्टार सलमान खान ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर किया है जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है के बारे में बताने के लिए शेयर किया है। तस्वीर में सलमान खान कैटरीना कैफ नजर आ रहे हैं। सलमान ने तस्वीर का कैप्शन लिखा, टाइगर जिंदा है में फिर से एक साथ। सोशल मीडिया पर तस्वीर को खूब पसंद किया जा रहा है और फैंस में फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। गौरतलब है कि टाइगर जिंदा है सलमान की ब्लॉकबस्टर फिल्म एक था टाइगर का सीक्वल है। इसमें सलमान की अभिनेत्री उनकी एक्स गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ है। फिल्म का डायरेक्शन अली अब्बास जफर कर रहे हैं। सलमान की सुपरहिट फिल्म सुल्तान का निर्देशन भी अली अब्बास जफर ने ही किया था। यशराज बैनर तले बनने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है क्रिसमस 2017 पर रिलीज होगी। फिल्म का पहला पोस्टर ट्वीट करते हुए यशराज फिल्म्स ने लिखा था, सलमान खान की आने वाली अगली फिल्म का नाम टाइगर जिंदा है जो क्रिसमस 2017 पर रिलीज होगी। कैटरीना इसमें सलमान की अभिनेत्री होगी। टाइगर जिंदा है के पहले पोस्टर में लिखा गया है, एक भारतीय एजेंट एक पाकिस्तानी जासूस एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ। आपको बता दें कि 15 अगस्त 2012 को रिलीज हुई सलमान की फिल्म एक था टाइगर ने अपनी कमाई से बॉक्स ऑफिस को हिला दिया था। एक था टाइगर ने करीब 199 करोड़ का बिजनेस किया। इस फिल्म में सलमान और कैटरीना की जोड़ी ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। ऐसी ही और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा ये चैनल।